शर्मिली, फर्स्ट मैरिनेशन स्टार्ट करो। अरे ये क्या हो रहा है? तुमको चिकन फ्राई बनाना है कि नहीं बनाना है? चलो दो नींबू काटो जल्दी से। और चिकन पर भी कट्स लगाओ। वेरी गुड। सब पीसेस पर कट लगा लो। अब इसमें नींबू का रस डाल दो। ओके। बस अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसको मिक्स करो। बाद में मिक्स करो पहले। मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। बस अब इसको मिक्स करो। और अब हमें इस मैरिनेशन को 15 मिनट्स तक रखना है। तब तक हम दूसरे मैरिनेशन की तैयारी करते हैं। समझ गए? चलो। ओके, अब हम सेकेंड मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लो। सब मसाले अच्छे से इन कट्स के अंदर डाल देंगे। और मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। अब मिक्स करो अच्छे से। हाँ ठीक है, खूब मिक्स करो। और उसके बाद अब हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। बेसन डाल दो। ओहो, अब बेसन के बाद हम क्या डालेंगे? कॉर्नफ्लोर। पहले मिक्स कर लो, उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दो। ठीक है। अब लास्ट में हमें डालना है फूड कलर, बस 1 पिंच या 3 to 4 ड्रॉप्स। अब इसको मिक्स करो। ओहो शर्मिली, तुम्हारे तो हाथ गंदे हो गए। ओ वेरी स्मार्ट। चलो अब इसको 2 से 4 घंटे के लिए रख दो। ओके, अब इसको फ्राई कर लेंगे 2-4 घंटे बाद। डीप फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर, दोनों साइड से सिक जाएं तो इनको निकाल लो। ऐसे ही सारे पीसेस कर लो। वेरी गुड। ओ
ओ यू आर वेलकम।